हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अकेडमी पर, जहां पर आप सभी को भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर से रिलेटेड जॉब रिक्वायरमेंट रहता है तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो गाइस, आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं देव बंधु कॉलेज, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आता है। यहाँ पर कई वैकेंसियाँ आई हुई हैं जिसके ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। हम बात करेंगे इसके इम्पॉर्टेंट डेट को लेकर, जॉब सीट्स को लेकर और एजुकेशनल क्राइटेरिया के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि इस कॉलेज को, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है देव बंधु कॉलेज, इसे नैक ने B++ का ग्रेड दिया हुआ है और साथ ही साथ NIRF ने 2022 में इसे 28वां रैंक दिया हुआ है कॉलेज कैटेगरीज में। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम मिलता रहे। गाइस, इस फॉर्म का जो अनाउंसमेंट डेट है, ये आप लोगों को याद रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी डेट से 21 दिन बाद ही इसका लास्ट डेट भी रखा गया है। यानी 20 अगस्त को ये पब्लिश हुआ था और आने वाले इस डेट से 21 दिन के बाद इसका जो लास्ट डेट रहेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए एप्लीकेशन मांगा हुआ है। तो गाइज़, यहाँ पर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए कॉलेज की तरफ से एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। हम यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट के साथ साथ नंबर ऑफ पोस्ट पर बात करेंगे और एज लिमिट पर बात करेंगे। तो यहाँ पर सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट मांगा गया है, जिसमें एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स है। सीनियर असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट मांगा गया है। जूनियर असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट मांगा गया है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट मांगा गया है। म्यूजियम क्यूरेटर के लिए एक पोस्ट मांगा गया है। वर्कशॉप मैकेनिक के लिए एक पोस्ट मांगा गया है। लाइब्रेरी असिस्टेंट बॉटनी के लिए एक पोस्ट मांगा गया है। लाइब्रेरी असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए एक पोस्ट मांगा गया है। लाइब्रेरी अटेंडेंस बायोकेमिस्ट्री के लिए एक पोस्ट मांगा गया है। लाइब्रेरी अटेंडेंस बॉटनी के लिए 7 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट मांगा गया है। लाइब्रेरी असिस्टेंस केमिस्ट्री के लिए 4 पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगा गया है। लाइब्रेरी अटेंडेंस फिजिक्स के लिए 4 पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगा गया है। लाइब्रेरी अटेंडेंस जियोलॉजी के लिए 9 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। लाइब्रेरी अटेंडेंस के लिए कुल टोटल 40 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। यहाँ पर जो सीटों की संख्या है वो दिल्ली विश्वविद्यालय या फिर UGC के रूल के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ या डिक्रीज किया जा सकता है। उनकी संख्या को ऊपर नीचे की जा सकती है। बात कर लें यहाँ पर एप्लीकेशन फीस क्या रखा गया है, तो जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए ₹1,000 एप्लीकेशन फीस रखा गया है और SC ST PWD व वुमेंस यानी कि महिला कैंडिडेट के लिए यहां पर एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखा गया है। उनका जो फॉर्म है वो फ्री ऑफ कॉस्ट फिलअप करा जाएगा। फॉर्म का जो लास्ट डेट है उसके बारे में दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से ये मेंशन किया गया है कि द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट इन द एप्लाइमेंट न्यूज़। यानी कि ये न्यूज़ जब भी पब्लिश हुआ था उसके 21 दिन के बाद इसका लास्ट डेट रखा जाएगा। तो 20 अगस्त 2022 को ये पब्लिकेशन इसका हुआ था, तो आप इसी के अकॉर्डिंग इसके लास्ट डेट का रेशियो निकाल लें। गाइज, यहाँ पर प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है, तो आप जिस पोस्ट के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने क्वालिफिकेशन को चेक कर लें। जैसे यहाँ पर सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री मस्ट रखा गया है और उसके साथ ही 3 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस मेंशन किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो जूनियर असिस्टेंट्स हैं उनके लिए 10+2 सर्टिफिकेट मांगा गया है और उसके साथ ही साथ जो कंप्यूटर टाइपिंग की स्पीड है वो 35 इंग्लिश के लिए और 30 हिंदी के लिए कंपल्सरी किया गया है। तो आप अपने
पोस्ट के अकॉर्डिंग अपने क्वालिफिकेशन को देख लें, जो भी क्वालिफिकेशन आपका रहता है उस हिसाब से आप अपने फॉर्म को फिलअप कर लें। बात कर लें कि यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में हमने ऊपर भी बात कर लिया है। जो भी कैंडिडेट अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उनको ₹1,000 एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज किया जाएगा। एसटीएससी पीडब्ल्यूडी और वुमेंस कैंडिडेट के लिए किसी तरीके का कोई फ़ीस नहीं लिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं यहाँ से अपने फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो वो कॉलेज के वेबसाइट पर जाकर अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कॉलेज का जो वेबसाइट है वो है www.deshbandhucollege.ac.in पर लॉगिन करके अपने फॉर्म को फिलअप कर ले। और फॉर्म को फिलअप करने से पहले यूनिवर्सिटी की तरफ से पब्लिश किए गए नोटिस में सारे इंस्ट्रक्शन को केयरफुल्ली पढ़ ले। पढ़ने के बाद ही अपने फॉर्म को फिलअप करें, क्योंकि आप लोगों को पोस्ट वाइज जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है उसके अकॉर्डिंग ही अपने फॉर्म को फिलअप करना है। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।